अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आप सब लोग उम्मीद है सब क्या खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन के बारे में बताऊंगी कि उनके अंदर कैसे डिफरेंस वादे किया जा सकता है। लाइक डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड प्रीपोजिशन। एडजेक्टिव में हम किसी भी चीज़ की खूबी या बुराई को जाहिर करते हैं, जैसा कि बैड बॉय, बैड बॉय, ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, डर्टी वाटर, वाटर, ठीक है। देखें बैड बॉय में क्या आ गया है, किसी भी उसकी क्वालिटी आ गई कि वो बैड बॉय यानी कि गंदा लड़का है। उसके बाद ब्यूटीफुल गर्ल यानी कि खूबसूरत लड़की, इसके अंदर भी उसकी क्वालिटी आ गई कि वो खूबसूरत लड़की है। डर्टी वाटर यानी कि गंदा पानी, इसमें उसकी क्वालिटी वाजे हो रही है कि ये पानी गंदा है। इसी तरह है हमारे पास प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के अंदर हम उसकी क्वालिटी को जाहिर करते हैं, जैसे कि कोई भी चीज़, जैसे कि किताब टेबल के ऊपर रखी है तो हम क्या लिखेंगे, एट द टेबल, टेबल। या अब हम कहेंगे अगर कोई किताब या कैट हमारे किसकी तरफ है, टेबल के नीचे है, तो हम क्या कहेंगे, अंडर द टेबल, ठीक है। और अगर कोई चीज़ हमारी चीज़, कोई भी चीज़ है, इसके अंदर जो प्रीपोजिशन है ना, ये वाजे हो रही है, प्रीपोजिशन हम इसको कहेंगे। जो एट, अंडर, ओवर, ये जो बिहाइंड, ये सब चीज़ें आती हैं ना, ये हमारी सब चीज़ें किस में आ जाती हैं, प्रीपोजिशन के अंदर आ जाती हैं। लिहाजा अगर मज़ीद हम इस चीज़ को डिफ़ाइन करना चाहें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे बिहाइंड दी, बिहाइंड द कैट इज़ बिहाइंड द गार्ड, ठीक है, दी कैट इज़ बिहाइंड दी कार, यानी कि बिल्ली कार की एक तरफ है, बिल्ली कार की एक तरफ है, ठीक है। ये सब हमारी प्रीपोजिशन में शामिल हो जाते हैं। मज़ीद अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे, मज़ीद आप हमारी वीडियो लाइक करें, और मज़ीद देखने के लिए प्लीज़ प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाना मत भूलें और सब्सक्राइब करना भी मत भूलें, ताकि हम आइंदा आप लोगों को गाइड करते रहें।